नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एमसी मोरे बेडफोर्ड फुल ब्रिज इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे। जब हम एमसी मोरे बेडफोर्ड फुल ब्रिज इन्वर्टर की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है हाफ ब्रिज इन्वर्टर। यस बच्चों, जैसे हमने हाफ ब्रिज इन्वर्टर का बेसिक कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग प्रिंसिपल देखा, कुछ वैसा ही वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन हमारे फुल ब्रिज का भी होता है। बस चेंज यही होता है, जैसे वो हाफ था ये फुल था, स्वाभाविक है हाफ का डबल होता है फुल। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ थायरिस्टर जो है, इवन नंबर ऑफ कम्यूटेटिंग एलिमेंट से, वो सीधे डबल हो जाएंगे हाफ ब्रिज इन्वर्टर से। तो बच्चों, सिंगल फेज मॉडिफाइड एमसी मोरे बेडफोर्ड इन्वर्टर ब्रिज इन्वर्टर में आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में मेरे पास दो थायरिस्टर्स T1 T2 के जगह पे चार थायरिस्टर्स हैं, T1, T2, T3 एंड T4। T1 और T4 एक दूसरे के पास सीरीज में कनेक्टेड है, सिमिलरली T2, T3 एक ही कॉलम में कनेक्टेड है। इन दोनों के इंडिविजुअल में कम्यूटेटिंग एलिमेंट में हमने L1, L2, L3, L4 लगाया। L1 T1 के साथ कनेक्टेड है, L2 T2 के साथ, L3 T3 के साथ कनेक्टेड है सीरीज में, और L4 T4 के साथ। अब सबसे इम्पोर्टेंट अनदर कम्यूटेटिंग एलिमेंट यहाँ पे, जो पिछले हाफ ब्रिज में देखा था आपने कैसे वहां पे दो कम्यूटेटिंग एलिमेंट थे C1 C2, पहले C2 चार्ज हो रहा था, फिर उसके बाद C1 चार्ज हो रहा था। यहाँ पे दो के जगह पे कितने हो गए बच्चों, चार, यानी C1 T1 के अक्रॉस पैरेलल में, C2 T2 के पैरेलल में, C3 T3 और L3 के पैरेलल में, और सिमिलरली जो C4 है वो T4 और L4 के पैरेलल में कनेक्टेड है। अब बच्चों, यहाँ चार मेन डायोड के बारे में हम बात कर लें। T1 के अक्रॉस एंटी पैरेलल में जो डायोड कनेक्टेड है दैट इज D1, सिमिलरली T2 के एंटी पैरेलल में जो डायोड कनेक्टेड है दैट इज D2, T3 के एंटी पैरेलल में जो डायोड कनेक्टेड है दैट इज D3, और T4 के एंटी पैरेलल में जो डायोड कनेक्टेड है दैट इज D4। अब यहाँ लोड कौन सा लेंगे बच्चों, तो लोड के लिए हम फ्री हैं, हम चाहे तो रेसिस्टिव लोड ले या फिर हम चाहे तो RL लोड ले। बच्चों, जो सिंगल फेज मॉडिफाइड एमसी मोरे बेडफोर्ड फुल ब्रिज इन्वर्टर है, नॉर्मली ये दो हाफ ब्रिज इन्वर्टर का, बेडफोर्ड इन्वर्टर का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपने देखा यहाँ सारे एलिमेंट्स डबल हो रहे थे। वहां दो इंडक्टर था, यहाँ चार इंडक्टर है। वहां दो कैपेसिटर था, यहाँ चार कैपेसिटर है। वहां दो थायरिस्टर था, यहाँ चार थायरिस्टर है। बस अंतर यही है कि वहां T1 जब अकेले काम कर रहा था, यहाँ T1 T2 एक साथ काम करेंगे। वहां जब T2 काम कर रहा था, वैसे यहाँ पे T3 और T4 काम करेंगे। मीन्स दो T1 T2 एक साथ रिवर्स बायस होंगे जब वोल्टेज नेगेटिव होगा। सिमिलरली बच्चों, T3 T4 एक साथ रिवर्स बायस होंगे जब उनके अक्रॉस वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज अपीयर होगा। तो इसके डिटेल्ड मोड ऑफ ऑपरेशंस एज वेल एज वेवफॉर्म के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेम एग्जैक्टली ये वैसा ही है जैसा हमने हाफ ब्रिज में समझा है। बस आप मैं आपसे एक ही सजेशन है कि आप घर पे बैठ के इसको प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में बस ध्यान आप प्रैक्टिस करके देखिए कि कैसे T1 के जगह पे T1 T2 और T2 के जगह पे T3 T4 को यूज करके, या फिर C1 के जगह C2 कैपेसिटर के जगह पे हम दो कैपेसिटर C1 C2 एक साथ चार्ज करेंगे, और सिमिलरली C3 C4 एक साथ चार्ज करेंगे। आप इसका एनालाइज करके प्रैक्टिस करके देखिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।